ये ब्रेथलाइजर, ये क्या है? ये ब्रेथलाइजर है, अभी करेंगे। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अपनी बात को सीरियसली सुना और आश्वासन दे के गए हैं कि हम इसको पार्लियामेंट में उठाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इसका जल्द से जल्द सोल्यूशन हम लोग को मिले। ऐसा उम्मीद नहीं था, लेकिन हमारे एसोसिएशन के जो जोर दिया गया तो हमारे रिप्रेजेंट किया गया, इस वजह से हमें उनके साथ इधर समय बिताने का टाइम मिला और उन्होंने हमारी बात अच्छी सुनी और हमें आश्वासन दिया है कि हम अगले सेशन में आपकी जो भी समस्याएं हैं उनके विषय में हम रेल मंत्री के पटल पर रखेंगे। मुझे बहुत लगा सिविल से मिलकर और मुझे पूरी विश्वास थी, जब थोड़ा सा समय मिला तो 100% वो आज के दिन में फिल्म समय दे रहे हैं, जो उम्मीद थी 100% आ गई। उम्मीद तो नहीं थी, बट हमारे एसोसिएशन को लोगों ने अप्रोच किया और सर आए और बड़ी ही बारीकी से एक एक चीज़ को उन्होंने पूछा और समझा और जो हम बताना चाहते थे कि क्या हमारी स्थिति है, वो पूरा विश्लेषण के बाद वो पूरी तरह इस बात को समझ गए कि किस सिचुएशन में, किस हालात में, किस प्रॉब्लम्स में हम रेल चला रहे हैं, सेफली चला रहे हैं, सेफ्टी की कितनी बड़ी जिम्मेवारी एक लोको पायलट पर है, ये उन्होंने बड़ी अच्छे ढंग से पूछा है, सुना है, समझा है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं 100% कि निश्चित रूप से ये सवाल उठाएंगे, पूछेंगे और इनके द्वारा सवाल उठाने पर कुछ ना कुछ सलूशन ज़रूर मिलेगा। मैं आर के राणा, लोको पायलट पैसेंजर और संगठनात्मक मैं सेंट्रल रेलवे जोनल ट्रेजरर हूं और DR का एडवाइज़र और टीचर भी हूं। मैं 96 से रेलवे में कंटिन्यूस काम कर रहा हूं। आगे दो चीज़ें हैं, पॉजिटिव सोच और नेगेटिव सोच। मुझे पॉजिटिव सोच के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं देश का सेकेंडरी आर्मी हूँ और जहाँ ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाता हूँ, पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रशासन इस बात को कभी संज्ञान नहीं लिया कि मैं किस परिस्थिति में अच्छे गुणवत्ता वर्कआउट दूँ और जिसका परिणाम है कि भारतीय रेल में दुर्घटना होती है। सवाल इज्जत की नहीं है, सवाल भारतीय सवारी का है, भारतीय रेल संपत्ति का है। जो छवि विश्व में बर्बाद होती है, खराब होती है, उसकी चिंता है हमें। हमें क्या करना है? हम आज हैं, कल चले जाएंगे, आप हैं चले जाएंगे, लेकिन भारत के जो एक्सीडेंट का रिकॉर्ड बढ़ते जा रहा है, जो मानवता डैमेज हो रहा है, उसको बचाने के लिए एसोसिएशन आगे कर रही है और जो संवैधानिक प्रावधान है उसको हमें मानने के, ताकि हम अच्छा से गाड़ी चलाएं और भारतीय जो यात्री हैं और प्रॉपर्टी है उसको सुरक्षा सही कर दें। आज़ाद देश में मैं गुलाम लोको रनिंग स्टाफ का एक बिंदु हूँ। 1947 देश आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे ऊपर बने हुए नियम प्रैक्टिकली लागू नहीं हुआ। बेसिक एमेनिटीज के तहत मुझे पानी चाहिए, पेशाब करने की जगह चाहिए और लैट्रिन चाहिए, वो आज तक नहीं है। हमें एक पर्याप्त रेस्ट चाहिए, वो नहीं है, और इसके साथ छोड़े खाने का भी कोई शेड्यूल नहीं है। और इन सारी चीज़ों को लेकर हम एक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो आने वाले जनरेशन और देश का जो एक रिकॉर्ड बनना है कि हमें भारत को विकसित करना है, इसके लिए बेसिक सुविधा लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन को देना होगा, ताकि हमारे पीछे चलने वाले हजारों यात्री एक सुखी रहें, घर से निकले सुरक्षित भी रहें, घर से निकले तो जहां मंजिल जाए वहां हम पहुंचा सकें उनके। इसी उद्देश्य को लेकर मैं भारत सरकार के साथ, विपक्ष के लोगों के साथ इस बात को कॉन्टेक्ट करके उनसे निवेदन करता हूं कि जो हमारा रेस्ट का प्रावधान है, जो एक शेड्यूल होना चाहिए, वो देने कोशिश करें, ना कि इस तरह, क्योंकि आगे चल के और दुर्घटना होगी। आपसे एक जानना चाहता हूँ, आपके पास 100 आदमी है, आपके पास 20 आदमी चला गया, 80 आदमी बचा, तो उसका वर्क करने का परसेंटेज कितना बढ़ गया? वर्कलोड बढ़ेगा निश्चित। एक एक नियम के तहत आज रेलवे में यही हो रहा है। मेरे पास लगभग अभी 18,000 निकाल दिया, लेकिन सही रूल लागू किया जाए तो 14,000 से 15,000 और वैकेंसी बढ़ने की जरूरत। क्यों? 2024 और 25 में लगभग 17,000 रिटायरमेंट है, तो इसको प्लानिंग करने के जो प्रावधान है वो नहीं। बस लोको रनिंग स्टाफ को एक अफसोस के साथ कहना हो कि गन्ने के जैसा चूस लिया जाता है और उसका मेडिकल टिकटाइज करके छोड़ दिया जाता है, जो बहुत बड़ी दुर्घटना। ये तो खुद दिनेश त्रिवेदी जी पार्लियामेंट में, रेल मंत्री जो थे दिनेश त्रिवेदी जी, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि ड्यू टू, मैंने ये एंटी क्या बोलते हैं उसको, नेचर वर्किंग,
2000 लोको पायलट प्रतिवर्ष मेडिकली डिकटराइज हो जाते हैं, अनफिट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा प्रत्येक 3 साल 2 साल 55 के बाद एक एक साल पर मेडिकल होना है। हमारा विजन 6x6A1 चाहिए, बीपी नॉर्मल चाहिए, शुगर लेवल नॉर्मल चाहिए, हार्ट डिजीज नहीं होनी चाहिए, A1 फिट हम रहेंगे तभी फिर हमको इंजन पे ड्यूटी मिलती है, वरना हमें निकाल दिया जाएगा। तो हम ऑल अलोंग 35 ईयर सर्विस करके अपने आप को इस विषम परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में अपने आप को A1 फिट रखते हैं और रिटायर करते हैं सकुशल, तो सोचिए हम कितना डेडिकेटेड और कितना हमको अपने आप को ये करना पड़ता है। तो 2000 लोग हमारे तो ऐसे ही निकल जाते हैं इसमें से, इस सर्कमस्टांसेज की वजह से। अगर ये जो सिचुएशन को ये ठीक करें, जो हमारा क्वालिटी रेस्ट है, जो हमारा वर्किंग कल्चर है, जो इन्वायरमेंट है, इस चीज़ को अगर सुधार दें तो 2000 क्यों डिकटराइज होगा? हम पर जितने खर्च रेलवे की होती है एक असिस्टेंट लोको पायलट से लोको पायलट मेल बनाने में, बहुत सा ट्रेनिंग, बहुत खर्च होते हैं, तो उसका सही यूटिलाइजेशन हो तो आप हमारा सही इस्तेमाल करें तो हम आपको बेटर, आपको हम आउटपुट देंगे। टिल रिटायरमेंट हम अनफिट नहीं होंगे, बिल्कुल सही हम देंगे आपको, शॉर्टेज नहीं होगा, क्योंकि हम अनफिट होकर दूसरे विभाग में चले गए, इतनी वैकेंसी तो ऐसे ही यहाँ क्रिएट हो गई, तो इसको तो हम बचाएंगे जिसके लिए हम लाए गए हैं। तो इससे रेलवे को भी फायदा है, हमारा भी सेहत जो है सो सही रहेगा, ये हमारा अल्टीमेट एम है। वेतन भत्ते अलग बात है, सबसे पहले लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, रेलवे की सेफ्टी, रेलवे के संसाधनों की सेफ्टी, और जो रेलवे यूजर्स हैं, यात्री हैं, जो करोड़ों लोग पर डे सफर करते हैं, इनका विश्वास रेलवे पर बना रहे, सुरक्षित और एक्सीडेंट फ्री सर्विस दे, हमारा पहला उद्देश्य यही है। मैं अपने बच्चों को इस लाइन में नहीं डालना चाहूँगा, क्योंकि इस काम का जो है, हमारा फ्यूचर तो कुछ और रहा है, आने वाली जो जनरेशन के लिए ये बहुत ही घातक हो रहा है, लोको पायलट के लिए काम करना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। बिल्कुल वो जो है इस तरह का नहीं चाहते कि जिस तरह का काम चल रहा है वो ना होना चाहिए। हमारी जो कैटेगरी है वो एक बहुत ही सेंसिटिव कैटेगरी है, बिल्कुल ही हमारे साथ जिस तरह की काम करने के लिए ज्यादती की जा रही है, उस माहौल में हमारे बच्चे इस काम को नहीं कर सकते। हमने तो स्टीम इंजन में भी काम किया है, लोको पायलट से जब, और डीजल और इलेक्ट्रिक लोगों में भी काम किया है, लेकिन आजकल के जो हालात हैं वो इस तरह के नहीं है कि जो लोग बच्चे काम कर पाए। मैडम, दिस इज नॉट आवर डिमांड, दिस अ पब्लिक डिमांड। If the locomotive is safe, 1,500 people are safe. In a train, we are carrying more than 1,500 people. If we are safe, the passengers are safe. It is not a demand of the loco pilots. It is a demand of the safety of the public, safety of the India, safety of the passengers to trust the train. सबसे पहले सोशल लाइफ को मैटर किया है। सोशल लाइफ मैटर कब होती है? जब हमारा वर्किंग आवर्स इंप्रूवमेंट होता है। वर्किंग आवर्स क्या हमारा 9 आवर्स वर्किंग सिस्टम, जो हमारा 9 आवर्स वर्किंग सिस्टम पर होती नहीं है, यानी बोले तो हर दिन 14 आवर्स 15 आवर्स 16 आवर्स वर्किंग कंटिन्यूस है। गुड्स वर्किंग आज भी हम लोग हेडक्वार्टर से, एक बार अगर घर से निकलते हैं तो आज भी 72 आवर्स बाहर रहते हैं। अगर एक बार घर से नहीं तो 4 डेज होता है, 72 आवर्स बोले तो 4 डेज हो जाता हमारा। सो हमारा सोशल लाइफ बिल्कुल नहीं है, जो हमारे साहब बताए जहाँ को पिक्चर देखने जा रहा है तो मैं नहीं जा पाता, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ड्यूटी के लिए फिर प्रिपरेशन होना पड़ता है। सो वर्किंग आवर्स है जो आउट ऑफ हेडक्वार्टर जो लोगों को सुलाया जाता है, 72 आवर्स रोका जाता है, उसको कम किया जाए। तो ऑलरेडी हाई पावर कमिटी ने सुझाव दिया है, उसको फॉलो किया जाए। मेन डिमांड मेरा यह है। और स्पैड में जो हमारे बहुत कमरेड्स बोले हैं कि स्पैड में जो 2 फीट 1 फीट आगे चला जाता है तो स्पैड में रिमूव कर दिया जाता है। अगर सपोज अगर आज की दिन मेरी उम्र 42 ईयर्स हो रही है, तो अगर भाई आज के दिन स्पैड में रिमूव हो गया, हमारी पूरे हमारे पीछे क्या है, फैमिली हमारी है, वो पूरे सफर होते हैं। सो अगर कुछ जानवर की क्षति नहीं हुई है, जानवर की क्षति नहीं हुआ तो कम से कम वहाँ रोका जाए, इसको इस तरह से घटना नहीं बने, इस चीज़ को रोका जाए वहाँ पर। दो स्पैड में रिमूव करना बंद करें और आउट ऑफ स्टेशन कंपल्सरी 36 आवर्स में रिटर्न टू हेड क्वार्टर लें। दो धन्यवाद मेरी तरफ से। We have the 4 demands. Number 1, weekly rest. Normal 16 hours rest plus 30 hours weekly rest. That is 46 hours. 16 plus trip rest, 16 plus 30. Then continuous duty, curtail, minimize to 2 continuous nights. The third, out of session, out of my headquarters, bring back to within 48 hours. Within 48 hours. The last one is working hours to reduce 9 or 10. Then below 10. Now endless. Come to 10 or 9. That is 4 demands from our side. अभी जो सवाल आया नेचुरल कॉल का,
ये बात अलग है कि बहुत दिनों से डिमांड थी कि भाई लोकोमोटिव में आप कम से कम यूरिनल या इसकी व्यवस्था करो। कई एसोसिएशन ने लिखा है, कमेटी बनी है, वाईएलओ कन्वेंशन में सवाल आए थे तो सरकार से पूछा, भारत सरकार से, जिन्होंने कमेटी फॉर्म किया है कि हम कम से कम बायो यूरिनल हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। आज से अभी तो आया नहीं है। मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेनों में जो 6-6 घंटे नहीं रुकती है, वहाँ जब लोको पायलट को यूरिन लगता है तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि वो पॉलीथीन में या बॉटल में, कुछ बॉटल हम स्पेयर रखते हैं इंजन में, पॉलीथीन में या बॉटल में पेशाब करके उसको पीछे वाले कैब से, दरवाजे से, पब्लिक से छिपा के धीरे से गिरा देते हैं नाइट में। ये हाल हमारा कितना बर्दाश्त करेंगे, ये पॉलीथीन और बॉटल में डाल के और नीचे पीछे कैब से, या फिर फॉगी वेदर इस सब में रात के मौसम में पिछले गेट पे चले जाते, जहाँ स्पीड हमारा कम होता है, कॉशन जहाँ लगा रहता है 20 का 30 का, वहाँ पर उसी कैब से वो असिस्टेंट देख रहा है, उसी कैब से गाड़ी चल रही है, ब्रेक पे हाथ डाले हुआ है और किसी तरह यूरिन डिस्चार्ज करके फिर फौरन अपने सीट पे बैठ गए। लेकिन लेडीज का क्या हाल होगा, उसके लिए वाकी टाकी पर शर्म के मारे इशारे में लोको पायलट बोलता स्टेशन मास्टर को कि वी हैव लेडी असिस्टेंट लोको पायलट, प्लीज अलाउ स्टॉपेज अप टू मिनट्स फॉर नेचुरल कॉल, बोलना पड़ता, सारे लोग सुनते हैं, बड़ी शर्म आती है, तब उसको रोका जाता है तो वो जाती है, वरना पानी कम पीती है, वो बहुत कम पानी पीती है कि हमको 4 घंटे के बाद पहुंचना है समस्तीपुर से जयनगर या बरौनी से हमको पहुंचना है जयनगर। यस, गर्मी हो जाए कम पानी पी के कि हम एक ही बार यहाँ से जो फ्रेश होके चले हैं रनिंग रूम से, तो अब हम अगले रनिंग रूम में ही जाएंगे तो फ्रेश होंगे, ये हाल है। ऐसी स्थिति में आप कहते हैं ब्रेन कंसंट्रेट रखो सिग्नल पे, अब आप बताइए कि हमको नेचुरल कॉल इतना प्रेशर लगा है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, अब ब्रेन कंसंट्रेट रखो सिग्नल पे, गाड़ी अकॉर्डिंगली ब्रेकिंग होनी चाहिए। भाई आप एसी नहीं लगा रहे हो, 50% से ज़्यादा लोगों में एसी नहीं है। आपकी कमेटी ने कहा कि जाड़े के मौसम में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोगों कैब में आता है, इतनी कोल्ड हवा आती है खिड़की दरवाजे से, ठंड मार देता है लोको पायलट को, और गर्मी के मौसम में बाहर से 4 to 6 degree टेम्परेचर ज़्यादा, ये कमेटी की रिपोर्ट है, मैं नहीं बोलता हूँ। अगर बाहर 44, अभी दिल्ली में 42-44 था, तो आप चलिए मेरे यहाँ WAG-9 ग्रीन कलर का गुड्स माल गाड़ी है ग्रीन, उसमें आप चलिए 52 degree more than 50 degree Celsius 55 तक जाता है, उसमें 9 घंटे 10 घंटे एक लोको पायलट कैसे ड्यूटी करता है ये आप इमेज नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते हैं कैसे रहता है उसमें और क्या हालत उसकी होती है, वो बेहोश हो जाता है। हाँ होती है बराबर, डॉक्टर कॉल होते हैं, अस्पताल जाता है, यस फौरन इन्फॉर्म करते हैं तो फिर वहाँ पर मेडिकल बुलाया जाता है, एम्बुलेंस वगैरह, वो भी सब जगह तुरंत कहाँ मिलता है, किसी रोड साइड स्टेशन में है, रिमोट एरिया में है, वहाँ से 50-40 किलोमीटर दूर कोई अस्पताल है तो कोई प्राइवेट डॉक्टर वगैरह कोई आए, लाया, दिखाया, कहीं तो मर गए हैं, हार्ट अटैक अचानक हो गया, मर गए हैं। वो तो कई केसेज हर डिवीजन में होते हैं, ये लू लगना DDU में, अभी एक गार्ड मर गया मेरे ब्रेक में, DDU डिवीजन बुंदेलखंड एक्सप्रेस में ड्राइवर को हार्ट अटैक हुआ, वो वही इंजन में मर गया, गाड़ी चलती रही और बिल्डिंग तोड़ते हुए कितने हजारों लोग को मार डाली, तो ये भी कंडीशन होता है, मेंटली इतना स्ट्रेस होता है ड्यूटी के दौरान, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहे लोग। अभी जून में एक लोको पायलट गार्ड ट्रेन मैनेजर जिसको बोलते हैं, वो मालगाड़ी में जो वो लोहे के डब्बे में ब्रेक में रहता हो, जो लोहा का घर है उसका चदरा का, उसमें वो 8 घंटे से ड्यूटी में था और सासाराम से उसको लेके आना था, अंकोड़ा से सासाराम, और मुगल सराय के सिग्नल पर 2 घंटे से मालगाड़ी को रोक के रखा गया था। कब उसको लू लगी, कब वो बेहोश हुआ, कब मुंह से उसका गाज उज निकला और वो सीट पे ही रह गया, जब किसी ने देखा और जब तक उसको अस्पताल ले जाया गया डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया, और ड्यू टू
हिट शॉक, इसके चलते वो मरा है। एक गार्ड जैसे मर गए उसमें, और डॉक्टर ने कहा कि ये हिट स्ट्रोक है, हिट वेव्स के। नो, नहीं गाड़ी के अंदर नहीं, नहीं वो पब्लिक के अटेंडेंस में, जैसे पब्लिक कोई बीमार हुआ तो वो टीटी को बोलते हैं, नमस्कार, वो टीटी को बोलते हैं, तो टीटी जो है वो तुरंत अपना कमर्शियल कंट्रोल को बोलते हैं मोबाइल से। हमारा तो मोबाइल ही बंद रहता, हमारा मोबाइल भी स्विच ऑफ रखना, तो टीटी जो है वो बोलते हैं कमर्शियल कंट्रोल को, कंट्रोल रेलवे मेडिकल असिस्टेंट स्टेशन पर उपलब्ध कराता है, वहाँ गाड़ी का 2 मिनट एक्स्ट्रा स्टॉपेज दे के उस पब्लिक को वो रेलवे डॉक्टर अटेंड करते हैं। अगर उसमें लोको पायलट भी है, गार्ड भी, कोई तकलीफ है तो वो भी कंट्रोल को सूचित करेंगे मोबाइल को खोल कर, तो हमको मिलेगा, डॉक्टर आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।